गीता में लिखा है कि अगर कोई इंसान बहुत हंसता है तो अंदर से वो बहुत अकेला है। अगर कोई इंसान बहुत सोता है तो अंदर से वो बहुत उदास है। अगर कोई इंसान खुद को बहुत मजबूत दिखाता है और रोता नहीं तो वो अंदर से बहुत कमजोर है। अगर कोई जरा सी बात पर रो देता है तो वो बहुत मासूम और नाजुक दिल का है। अगर कोई हर बात पर नाराज हो जाता है तो वो अंदर से बहुत अकेला और जिंदगी में प्यार की कमी महसूस करता है। लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। लोगों को एहसास कराइए कि वो आपके लिए कितने खास है। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। जब सड़क पर बारात नाच रही हो तो हॉर्न मार मार के परेशान ना हो, गाड़ी से उतर कर थोड़ा नाच ले, मन शांत होगा, टाइम तो उतना ही लगना है। इस कलयुग में रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना रुपये के लिए इंसान गिर चुका है। रास्ते में अगर मंदिर देखो तो प्रार्थना नहीं करो तो चलेगा, पर रास्ते में एम्बुलेंस मिले तब प्रार्थना जरूर करना, शायद कोई जिंदगी बच जाए। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार के भी नहीं हार सकता। बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। एक बहुत अच्छी बात जो जिंदगी भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। रिश्ते और रास्ते एक ही सिक्के के दो पहलू है। कभी रिश्ते निभाते निभाते रास्ते खो जाते हैं और कभी रास्तों पर चलते चलते रिश्ते बन जाते हैं। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं, बस हौसला और मेहनत की जरूरत है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। अपनी कीमत उतनी रखिए जो अदा हो सके, अगर अनमोल हो गए तो तन्हा हो जाएंगे। खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकाले चार लाइन दोस्तों के नाम। काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर ले, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ कल मिल जाए। जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितनी भी हो हर पल, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती, एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। मेरे ईश्वर किस्मत पर नाज है तो वजह तेरी रहमत, खुशियां जो पास है तो वजह तेरी रहमत, मेरे अपने मेरे साथ है तो वजह तेरी रहमत, मैं तुझसे मोहब्बत की